सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है YouTube के एक फ्रेश एपिसोड में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे OnePlus 5T के ओपन बीटा 11 के बैटरी लाइफ और कुछ इश्यूज के बारे में। हालांकि बैटरी लाइफ तो काफी अच्छी है, मैंने सभी टाइप के स्क्रीनशॉट इसमें ले लिए एवरी 25%। तो आने वाले सेक्शन में मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा और मैं कुछ आपको इश्यूज भी दिखाऊंगा जो मैंने इस OnePlus 5T के ओपन बीटा 11 में फेस किए या फिर और कोई यूजर्स ने फेस किए हुए हैं। तो वो सब इश्यूज मैं आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और आपका कोई भी सुझाव रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इश्यूज के बारे में। मैं आपको मेरा करंट वर्जन दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो ये ओपन बीटा 11 पे का चल रहा है फिलहाल तो। और इसमें नई बात तो ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया था कि ये आप क्विक सेटिंग्स ये जो है वो चेंज हो गया है। बाद में इसमें सेटिंग्स में भी आप देख सकते हो काफ़ी सारे आइकॉन्स चेंज हो गए। तो एंड्रॉयड पी जैसा लुक देने की कोशिश OnePlus ने की है, लेकिन कुछ इश्यूज़ है। सबसे पहले इश्यू है जो कि बैटरी सेक्शन में जाइए आप और फिर इधर आप ये ग्राफ पे क्लिक करते हो तो इसमें सब वाइट लाइंस दिखाई दे रहा है। पहले हम लोग को ब्लू लाइंस के द्वारा सब दिखाई दे रहा था कि कहाँ गैप गिर रहा है, कहाँ अगर आपका वाईफाई बंद है तो उधर पूरा ब्लैंक आता था, लेकिन इसमें कुछ पता ही नहीं चलता है कभी क्या हो रहा है। तो ये एक इशू है। इसके बाद जो सेकेंड इशू, एक्चुअली मैंने नहीं फेस किया लेकिन काफ़ी लोगों ने फेस किया है, वो है कि ये जो डायल का ऑप्शन है वो डायल का ऑप्शन ही कोई लोगों के पास में नहीं आ जाता है क्विक डायल का। तो ये एक इशू है। एक्चुअली मुझे ये इशू नहीं आ रहा है लेकिन पता नहीं काफ़ी लोगों को ये इशू आ रहा है। और एक दूसरी बात जो है वो लॉन्चर की बात है, उसकी बात मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये तो मेरा नोवा लॉन्चर का सेटअप है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है उसमें भी कुछ इश्यूज आ रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। बार बार क्रैश हो रहा है। अभी मैं डिफ़ॉल्ट होम ऐप में जाके अगर मैं OnePlus का लॉन्चर सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो ये बार बार क्रैश हो रहा है। तो ये एक चीज़ मैंने नोटिस की है। एक्चुअली पहले भी ये क्रैश नहीं होता था, लेकिन जैसे ही मैंने नोवा लॉन्चर थर्ड पार्टी लॉन्चर कर दिया ये जो डिफॉल्ट लॉन्चर है वो बार बार क्रैश होने लगा। तो इसका सोल्यूशन मुझे अभी तक नहीं मिला है, शायद ये बग हो सकता है और नेक्स्ट अपडेट में ही फिक्स हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए ये पर्टिकुलर डेमो में दिखा रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे को वापस नोवा लॉन्चर पे जाके क्लिक करना पड़ेगा तो ये जाके ठीक हो जाता है या फिर नोवा लॉन्चर ठीक चल जाता है। तो ये कुछ दो तीन इश्यूज है जो मैंने और फेस किए हैं या फिर और कोई लोगों ने फेस किए और मुझे बताए थे। इसके अलावा भी अगर आप कुछ इश्यूज फेस करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मैं बाकी लोगों को भी बोल दूंगा क्या क्या इश्यूज है। और अभी अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी लाइफ तो काफ़ी अच्छी है, मैंने सभी स्क्रीनशॉट्स ले लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली सबसे पहला स्क्रीनशॉट है, इसका मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ, मतलब कोई आपके मन में संदेह नहीं रहेगा। आप देख सकते हो ये 4th of July को मैंने स्क्रीनशॉट लिया था 9:38 PM को, और आप देख सकते हो इधर भी 9:38 PM हो गए। तो ये 100% बैटरी मैंने पहले फुल चार्ज कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने ये बैटरी को 95% तक ड्रेन किया 10:25 रात को, और 10:25 को मैं सो गया। तो ओवरनाइट बैटरी ड्रेन हम लोग अभी नेक्स्ट इसमें चेक करते हैं। और जब भी मैं सुबह 6 बजे उठा तो 92% पे था, तो ओवरनाइट 3% बैटरी ड्रेन हो गया ऑलमोस्ट 8 घंटे के लिए, जो कि एक्सपेक्टेड बैटरी ड्रेन है। इसके बाद 75% तक बैटरी ड्रेन डाउन किया, और आप देख सकते हो जो मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिला वो 2 hours and 31 minutes का था, जो कि काफ़ी अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम है। आगे इसमें वॉइस कॉल्स आप देख सकते हो 44 मिनट्स के वॉइस कॉल्स है, जो काफ़ी ज़्यादा वॉइस कॉल्स है, मतलब अगर हम लोग देखा जाए 25% के बैटरी ड्रेन के हिसाब से। वापस बैटरी को 50% तक और ड्रेन डाउन किया, और आप देख सकते हो जो स्क्रीन ऑन टाइम मिला वो 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम था, और अभी भी 50% बैटरी बाकी है। और आप देख सकते हो जो टोटल बैटरी लाइफ वो 21 hours and 58 minutes, मतलब ऑलमोस्ट 22 hours की बैटरी, मतलब ऑलमोस्ट एक दिन की बैटरी है, 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम है और अभी भी 50% बैटरी बाकी है। इसमें वॉइस कॉल्स 1 घंटा और 12 मिनट्स का वॉइस कॉल्स है। अभी रात को 11 बजे वापस 35% तक ड्रेन किया, और मैं वापस ओवरनाइट ड्रेन चेक कर रहा था, और सुबह 8 बजे 32% पे था। सो सिर्फ 3% बैटरी ड्रेन हो गया 8 घंटे 9 घंटे में, जो कि एक्सपेक्टेड है। बाद में वापस 24% तक बैटरी को ड्रेन किया, और आप देख सकते हो जो बैटरी लाइफ मिली वो 1 day and 13 hours की है, और जो स्क्रीन ऑन टाइम मिला वो 7 hours and 12 minutes का है, जो काफ़ी अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम है। और ये सब मेरे एक्टिविटीज़ थे।
इसके बाद मैंने सेकंड स्क्रीनशॉट लिया, वो 8% पे लिया, जो कि बैटरी को 8% तक ड्रेन डाउन किया। और आप देख सकते हो जो मुझे टोटल बैटरी लाइफ मिली वो करीबन 1.5 दिन की बैटरी लाइफ मिली, 1 day and 16 hours। और जो स्क्रीन ऑन टाइम मिला वो 8.5 घंटे का मिला, 8 hours and 31 minutes, जो कि काफ़ी अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम है। और मेरे हिसाब से बैटरी भी काफ़ी लंबी चली, इसलिए मुझे ये OnePlus 5D का फ़ोन बेहद पसंद है OnePlus 6 के कंपैरिजन में, क्योंकि OnePlus 6 में इतनी अच्छी बैटरी लाइफ नहीं मिलती है जितनी OnePlus 5D में मिलती है, और स्पेशली OnePlus 5D के ओपन बीटा वर्जन में मिलती है। तो इसलिए मुझे ये OnePlus 5D बहुत ही पसंद है, और जब भी मैं यूज़ करता हूँ तो OnePlus 5D ही मेरा प्राइमरी फ़ोन रहता है, ना कि OnePlus 6। बाद में इसमें आप देख सकते हो जो स्क्रीन ऑन टाइम 8 hours and 31 minutes का था, इसमें वॉइस कॉल्स 1 hour and 20 minutes के है, फेसबुक लगभग मैंने 2 घंटा यूज़ किया, यूट्यूब लगभग 1 घंटा यूज़ किया, और बस इतना ही था। तो काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ मिली पहले ही बैटरी साइकिल में, 8.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम और 1.5 दिन के ऊपर की बैटरी लाइफ। अभी वापस 100% मैंने बैटरी को चार्ज किया है सेकेंड साइकिल टेस्ट करने के लिए, और रात को 128 को आप देख सकते हो 81% पे था, और सुबह जब भी मैं 855 को उठा तो 79%, तो 2% का बैटरी ड्रेन ओवरनाइट हो गया। 75% तक बैटरी को ड्रेन डाउन किया, और आप देख सकते हो जो टोटल स्क्रीन ऑन टाइम मिला वो ऑलमोस्ट 2 hours and 47 minutes का था, जो काफ़ी अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम है, और एक्चुअली ये लास्ट स्क्रीन ऑन टाइम है क्योंकि इसकी बैटरी बहुत चलती है और फटाफट ड्रेन ही नहीं होती है, तो स्क्रीनशॉट लेना भी मुश्किल हो जाता है। और अभी का लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हो 54% पे है, और इसका अभी मैं आपको स्क्रीन ऑन टाइम भी दिखा देता हूँ। ये बैटरी स्टेटस में जाके स्क्रीन ऑन टाइम आप देख सकते हो 4 hours and 36 minutes का है, मतलब लगभग ये 50% तक जब भी जाएगा तो लगभग इसका 4 hours and 45 minutes तक स्क्रीन ऑन टाइम हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम है। और ये बैटरी ग्राफ में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और इसमें कॉल्स में अगर हम लोग देखते हैं तो वॉइस कॉल्स कुछ ज़्यादा नहीं रहेंगे, सिर्फ 15 मिनट्स के वॉइस कॉल्स है, और यूट्यूब थे और बाकी सब प्राइम वीडियो और सब ये सब चीज़ें हैं। तो 54% पे 22 hours का ऑलमोस्ट बैटरी लाइफ मिला, और 4.5 घंटे के ऊपर स्क्रीन ऑन टाइम मिला, जो बैटरी लाइफ के हिसाब से ये वो ओपन बीटा 11 भी काफ़ी अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। सिर्फ मैंने जो इश्यूज़ बताए वही थोड़े बहुत इश्यूज़ है, अगर वो इश्यूज़ अगर सॉर्ट आउट होते हैं तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है। तो अगर आपको कुछ इश्यूज़ आए रहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको कैसी बैटरी लाइफ मिलती है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।